और आजाद मैदान के सामने। सर हमें बताइए, जो आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, मोर्चा हुआ है, ये किस विषय पर हुआ है और सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी सरकार से मांग है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण दिया, लागू किया था, वो उन्हें आज बहाल किया जाए। दूसरी बात कि जो धर्मांतरण शक्ति को लेके जो कुछ दंगा करते हैं उनके खिलाफ एक सख्त कायदा हो जाए, इसके लिए आज का ये आंदोलन वंचित बहुजन आघाड़ी और रजा अकादमी के ओर से हमने आजाद मैदान में किया है। ये बात ही नहीं आती है, अगर जो ऑर्डिनेंस निकला था वो मराठा रिजर्वेशन 60% और मुस्लिम रिजर्वेशन 5%, ये कंबाइन था, अलग अलग नहीं था। उसी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को रोक दिया था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण एजुकेशन को तुरंत लागू करे ये उनका कहना था हाईकोर्ट का। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी हाई कोर्ट की इस बात को खारिज नहीं किया है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ग्रीन सिग्नल दिखाया है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिसे भी ये रोका है उसे रोकने वाला दूसरा कोर्ट कौन होता है? और जब ये दोनों कोर्ट में से पास हुआ ये ऑर्डिनेंस है मुस्लिम आरक्षण का, तो उसे इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है भाई? आप तो सिक्योर कह के मुसलमानों के वोट लेकर स्टेट में बैठे ना, तो जिनके वोट ये है उनका काम भी करो। जैसे वो भी इलेक्शन आएगा तभी आपको मुसलमानों की याद आएगी। ये जो दोगलापन इस सरकार का है तीनों पार्टियों का, वो दोगलापन अब उन्होंने रोकना चाहिए। और अगर इन्होंने ये दो मांगे जो है जो दंगल फैलाने वाले हैं, धार्मिक द्वेष फैलाने वाले हैं, उनके खिलाफ का एक कानून जो हमने बिल दिया है सरकार को, उसे तुरंत गवर्नमेंट बिल के तौर पर ट्रीट किया जाए और उस कानून को बनाया जाए और लागू किया जाए। और 5% का मुस्लिम आरक्षण जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कानून रोकने की कोई भी बात नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अरे चीना है तो मरना सीखो।